बेचेगा वो, हम उसे डबल कीमत देंगे, 10 गुना कीमत देंगे, उसे बेचनी पड़ेगी। मैडम मैं उसे काम का हूँ और मैं उन्हें बड़ी डाड़ा जानू हूँ, वो कौन है बेचा अपने खेत। हेलो भैया। अबे ओ भैया क्यों बोल रहा है, इसे तेरा रिश्तेदार लगता है? यार कोई ना, इज्जत से बात तो करनी चाहिए ना। इज्जत से बात करते हैं इंसानों से, जानवरों से नहीं। अबे ओ फटीचर के बार इधर आ, अबे जल्दी आना इधर। देख अब आया ना, ये लोग ऐसी सुनते हैं। हाँ जी मैडम। या ये जमीन कहाँ पड़ेगी? अरे ओ एक मिनट, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे क्या पता, पढ़ के सुना इसको। ओ मैडम मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे इंग्लिश आती है, कहो तो बोल के दिखाऊं। तेरे को देख के लग तो नहीं रहा तुझे इंग्लिश आती होगी। भैया जमीन तो यही है, पर क्या काम है? भैया ये जमीन दरअसल खरीदनी है, उनके मालिक से मिलना है। और तुझे क्यों बताया? मैडम जमींदार का ना बेरा आवे ना आवे, पर हम एक काम करो, जो तो राय हो ना मैं उल्टा चलेगा। लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये नौकर होगा वहाँ पे, काम करता होगा इसलिए पता होगा इसको। मैडम आप किसी ना जानते हो ना, तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहिए। मैडम उसने डरने पड़ी गाड़ा जानू हूँ, वो कौन है बच्चा अपने खेत है, गर्मी घनी हो रही है, क्यों तो पलना रही हो, जॉब नहीं करा। ऐसे कैसे नहीं बेचेगा वो, हम उसे डबल कीमत देंगे, 10 गुना कीमत देंगे, उसे बेचनी पड़ेगी। मैडम मैं उसे काम का हूँ और मैं उन्हें बड़ी डाड़ा जानू हूँ, वो कौन है बेचा अपने खेत है। अब तू बताएगा हमें कि ये जमीन बेचेगा या नहीं बेचेगा? मनोज कहीं का अपनी मर्जी से कुछ भी बोले जा रहे, तू मालिक है इसका? यार इसको क्यों मार रहे हो आप, क्या पता इसको मालिक के बारे में पता हो इसलिए बोल रहा है? यार इस गवार को क्या पता होगा, इसके कपड़े देख, इसके जूते देख, कितने गंदे हो रहे हैं, इसे पता होगा। तुझे पता है मैं कौन हूँ? ऐसी ऐसी है ना, 10 जमीनें ले रखी, कंपनी खड़ी कर रखी है मैंने, खड़े खड़े है ना ये सारी जमीन खरीद लूँ मैं। मैडम आप इतनी देर ये बकवास कर रहे हो, आप लड़की हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना आप लड़के होते ना तो अब तक तो 10 थप्पड़ मार चुका होता। अबे ओ चल निकल यहाँ से। यार छोड़ना, एक काम कर लो, आप फोन कर लो, क्या पता मालिक यही पे आ जाए। चल आप फोन दे यार। आईफोन है उसके पास तो, मालिक तो नहीं है ये। ये इस खेत के ओनर का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने क्या सोचा मैं ऐसे कपड़े पहना हुआ हूँ, जूते पहना हुआ हूँ, तो मैं कोई आया गया इंसान हूँ? और हाँ यह सारी जमीन मेरी है, जितनी थारी नजरदार ना ये सारी जमीन मेरी है। तू क्या कह रही थी, तेरी 10 कंपनियां हैं, मैं इस जमीन का एक हिस्सा भी बेच दूंगा ना तो तेरे जैसी 50 कंपनियां खोल सकता हूँ मैं। और हाँ आगे बात समझ, मैं इस जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता आप इस जमीन के ओनर हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। तुम गाँव वालों देखते हो, उनके कपड़े देखते हो, उनके चप्पल जूते देखते हो और उनको गवार समझ लेते हो, ये हमारा पहनावा है। और तुम क्या कह रहे थे, तुम मेरी इस जमीन की 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 10 गुना कीमत दोगे, इतनी औकात है तेरी? और हाँ अगर जब तुम मुझे इस जमीन की 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ भी दोगे ना तो भी मैं ना बेचूं, यह जमीन हमारी माँ है और माँ की हम कीमत नहीं लाया करते, हमने पैसे तो प्यार को नहीं, हमने धरती तो प्यार है। सर आई एम सॉरी, हमसे गलती होगी सर, पर ये डील कर लो, हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम दोनों एक काम करो, निकल लो यहाँ से, और हाँ तुम ऑनलाइन तमीज सीख लो।